Hello everybody, welcome to your own channel Study Blaster, and my name is Dinesh Sare, and today we are going to talk about the paragraph on my school library. आज हम paragraph करेंगे my school library के ऊपर. Paragraph पूरा का पूरा English के अंदर है, but मैं आपको इसको पूरा elaborate करूँगा हिंदी के अंदर और एक एक word पर आपको सारी detail दे दी जाएगी. तो देखिए चलते हैं हमारे पहली line के ऊपर. Library is a place where books are systematically kept for readers. यहाँ पर full readers to read it. Okay, to read. तो एक लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बुक्स को सिस्टमेटिकली रखा जाता है. अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन हमारा पैसिव वॉइस के अंदर लिखा हुआ है, बुक्स आर सिस्टमेटिकली कैप्ट, क्योंकि यहाँ बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है. पैसिव जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये लाइन एग्जैक्टली और अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो सिस्टमेटिकली रखा जाता है फॉर रीडर्स टू रीड, यानी कि पढ़ने वालों के लिए. क्या चीज़ करने के लिए? रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए. इट इज़ अ टेम्पल ऑफ नॉलेज, ये एक क्या है, ज्ञान का मंदिर है. द लाइब्रेरी ऑफ माई स्कूल इज इन हॉल, यानी कि मेरे स्कूल की जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है? हॉल के अंदर है. इट इज़ वेल फर्निश्ड विद फैंस, चेयर्स, टेबल्स एंड अलमीराज, और ये पूरी तरह से फर्निश्ड है किसके साथ? पंखों के साथ, चेयर्स के साथ, टेबल्स के साथ और अलमीराज के साथ. अ रीडिंग रूम इज ऑल्सो अटैच टू इट, एक रीडिंग रूम जो है वो इसके साथ अटैच किया हुआ है. इट इज़ एयरी, ये कैसा है? हवादार है, यानी कि एयरी है. स्पेशियस है, यानी कि खुला स्थान है इसमें, खुली जगह है. और अट्रैक्टिव है, आकर्षक है. देर आर 2000 बुक्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर लगभग 2000 बुक्स हैं और जो कि सभी विषयों पर, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. बिसाइड्स बुक्स, ये बिसाइड्स जो शब्द है इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है के अलावा. तो बुक्स के अलावा यहाँ पर देर आर मैनी डेलीज एंड वीकलीज, यानी कि यहाँ पर डेली जो बुक्स आती हैं, जैसे कुछ मैगजीन्स आती हैं वो, और कुछ वीकली मैगजीन्स जो आती हैं वो भी अवेलेबल हैं. अ लाइब्रेरी इज़ अ यूजफुल प्लेस, लाइब्रेरी कैसा प्लेस है? बहुत ही यूजफुल प्लेस है. इट इज़ अ स्टोर ऑफ नॉलेज, ये एक नॉलेज का क्या है, स्टोर है. वी कैन कीप आर नॉलेज अप टू डेट बाय द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, हम हमारे नॉलेज को क्या कर सकते हैं, अप टू डेट रख सकते हैं लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए. रीडिंग बुक्स इज़ माय हॉबी, रीडिंग बुक को रीड करना भी मेरी क्या है, हॉबी है. माय हॉबी गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, और मेरी जो हॉबी है वो मुझे बहुत आनंद देती है. तो इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में कई बार 10th या फिर 8th क्लास हम देखें, 7th क्लास देखें, 9th क्लास देखें, तो इस तरह का पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाता है. तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में आप इसे राइट कर सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.